आजकल के जमाने में हम लोग इतना ज्यादा अपनी काम से बिजी रहते हैं कि काम से जब हम घर लौटते हैं तो तब तो थकान महसूस होता ही है, फिर अगले दिन सुबह जब हम उठते हैं नींद से तभी हमें कभी कभार लेस एनर्जेटिक फील होता है। तो बहुत ज्यादा बिजी रहने के कारण जो होता है कि खुद के लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। हम प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर सकते, प्रॉपर लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं कर सकते तब, और एक्सरसाइज तो दूर की बात होता है। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट्स खुद के लिए निकालिए, क्योंकि आज मैं ऐसे ही कुछ योगा पोस्चर्स, कुछ सिंपल सा योगा पोस्चर्स आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, जो आप हर रोज अगर 10 मिनट्स प्रैक्टिस करें तो आपको आपका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट होने में मदद करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, योगा क्लासेस। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक पेज जो है वहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक चीज़, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट योगा इज, लेट्स डू टुगेदर। फर्स्ट मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ, राउंड वन डेमोन्स्ट्रेशन, देन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। ओके, फर्स्ट हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और अधोमुख स्वानासन। स्ट्रेच योर बैक, देन कम टू अपवर्ड फेसिंग डॉग और ऊर्ध्वमुख स्वानासन। स्टे हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। शोल्डर स्ट्रेच, लोअर एब्डोमेन स्ट्रेच। Downward facing dog, exhale, inhale, upward. If you are regular practicing, then try to lift your thigh, knees and lower abdomen obviously. And from here again come to downward. Inhale, exhale, inhale, then inhale, arms up. Now little arch back as much as possible and exhale, bend forward. Agar aap comfortable ho to hug your knees and try to touch your forehead and nose with your knees. If you are not comfortable, then just keep your palm on the floor and little bend your knees. From here again, inhale, arms up, arch back and bend. Exhale. Inhale up, exhale.
Now the next and the third one is Prasharita Padottanasan. तो प्रशारित पादोत्तनासन के लिए हम क्या करें? At first, make a gap between your two legs. Now, slowly bend. Make sure your back is straight. Inhale, exhale, bend. Now, if you are comfortable, then keep your palm on the floor. ज़्यादा ये palms अपनी feet से ज़्यादा दूर नहीं रखना, okay? Feet के पास रखना है. इस position में अगर आप comfortable हो, then try to touch your head to the floor. Make sure कि आपका knee fold नहीं हो रहा है, okay? अगर fold हो रहा है और अगर आप uncomfortable हो, then बस यहीं तक रहना. अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका नीज भी फोल्ड नहीं हो रहा है, देन ट्राई टू टच योर हेड. एल्बोस फोल्ड होगा बट नॉट नीज. स्टे हियर फॉर सम टाइम. इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, देन ट्राई टू interlock your finger and stay. Now slowly come up and release the posture. First up, up, keep your palm on your waist. Now slowly come up. Now, the next one, Ustrasana. I know this is little bit advanced, little bit hard for beginners. So, beginners kya kar sakte hain? Wo bhi main dikha dungi. Don't worry. First, come to this position. Now, keep your palms on your waist and bend. Push your waist, your belly. Now, if you are comfortable, then try to touch your heels and stay. Inhale and exhale properly. Slowly come up and come to child's pose and take rest. Now the next one is Shetu Bandha or bridge pose. Iske liye just lie down, fold your legs. Keep your palms and hands on the floor. Now, slowly lift your glute. Lift, lift, lift. And try to hold your heels and stay. ये बहुत ही एडवांस पोस्चर है. आई नो मैं बिगिनर्स के लिए कहूंगी, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है चक्रासन, देन जस्ट स्टे सेतु बंधासन. अगर पॉसिबल हो रहा है चक्रासन,
प्रैक्टिस विद मी. लाई डाउन, फोल्ड योर लेग्स, कीप योर पाम लाइक दैट, इनहेल एंड लिफ्ट एंड स्टे हियर. तो ये था कुछ सिंपल सा, नॉट सो सिंपल सा योगा पोस्चर्स. मैंने बिगिनर्स के लिए भी दिखाया जितना आसान करके हो सके. तो आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी बूस्ट जरूर होगा. ट्राई करके देखना जरूर घर पे, ज्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट्स खुद को देना तो चाहिए ही चाहिए. खुद के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पाए तो क्या होगा. तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट.